सहरसा में जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर शहर के स्टेडियम प्रांगण में धरना दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कोशी सीमांचल मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा एवं सहरसा के बंगाली बाजार में रेलवे ओवरब्रिज, एम्स एयरपोर्ट और पटुआहा के नया नगर में बिहार सरकार की जमीन पर बसे गरीबों को कॉलोनी निर्माण एवं सहरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जाप नेता समीर पाठक ने कहा कि जिस दिन पप्पू यादव का राज्य चलेगा उस दिन से सारे सरकारी दफ्तर में अंधा कानून करने वाले सारे दलाल भाग जाएंगे। यह धरना पर बैठे हुए हम लोग मुख्य रूप से कोसी जो आज तक पिछड़ा हुआ है, कोसी में कोई विकास नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ कोसी की चिंता सिर्फ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को है और किसी को चिंता नहीं है इसका। इसलिए कि सब अपना वोट जाति और पार्टी के नाम पर वोट लेकर के जीतता है और यहाँ विकास के नाम पर, इसलिए कि इन लोगों को तो वो जो सरकार में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी वो समझ रहे हैं कि हम जो इनको हमारे चलते वोट हुआ है इनको, इनके चलते विकास क्यों करेंगे हम। इसीलिए जो अपने बलबूते से जीतने के लायक हैं वो पप्पू यादव जी, उनको यहाँ की जनता नहीं मौका दे रहे हैं, जिसके चलते विकास में पिछड़े हुए हैं। 1985-90 में जो विकास हुआ है वह विकास ही सहरसा और मधेपुरा सुपौल को अभी तक हुआ है, लेकिन सहरसा खास करके बहुत पीछे है विकास में। इसलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से इस बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि इस विकास में यदि ये अपेक्षित रहेगा कोसी खास कर सहरसा, तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक चेट बजा देंगे सरकार का। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कोसी सीमांचल मिथिलांचल को विशेष पैकेज और सहरसा में रेल ओवरब्रिज, एम्स और बिहार सरकार के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा की गई है उसको बनाने के लिए जन अधिकार पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर कोसी सीमांचल मिथिलांचल पर एक दिवसीय धरना पर बैठी हुई है। हम लोगों का मुख्य मांग है जो कोसी का एरिया जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी गरीबी से जूझ रहा है, इसको विशेष पैकेज बिहार सरकार और केंद्र सरकार को देनी चाहिए तथा लगातार यहाँ बीमारी कैंसर जैसे बीमारी से मौत हो रही है, इसीलिए कोसी को एम्स की जरूरत है और कोसी को एम्स केंद्र सरकार को देनी ही चाहिए, क्योंकि कोसी के लोग इतने गरीब हैं जो पटना और दूर दराज इलाज करने के लिए नहीं जा पाते हैं और यहीं पर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। रेल ओवर ब्रिज लगातार 40 वर्षों से यह समस्या सहरसा के लिए कैंसर जैसी समस्या हो गई है, लगातार जाम में लोग फंस के अपने मौत कर तांडव वहाँ देखते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक वहाँ जाम की समस्या लगी रहती है। कितने नेता ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कुछ दलाल नेताओं के चलते आज रेल ओवर ब्रिज एक समस्या का कारण बन चुका है। तो जन अधिकार पार्टी लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन की है, पहले भी की है। हमारे सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए राशि भी मंगवा चुके थे, लेकिन बिहार सरकार के रवैये के चलते रेल ओवर ब्रिज उस समय नहीं बन पाया। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कोसी सीमांचल में धरना का कार्यक्रम है और अगर इन धरना के माध्यम से सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो अगले मंगलवार को हम लोग NH को जाम करेंगे और उसके अगले मंगलवार को हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे तथा पूरे बिहार को बंद करने का भी आह्वान हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर